श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से 8 घरों में लगी भीषण आग। तो 8 घरों में भीषण आग लगी है श्रावस्ती में। इस खबर के बाद से हड़कंप मचा है। आग में करीब 8 घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। और इस दौरान आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घर है वो धू धू कर जलते हुए नजर आए हैं। 3 मवेशी भी आग की चपेट में आए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये खबर श्रावस्ती से है जहां पर 8 घरों में भीषण आग लग गई है। वही एसपी प्राची सिंह ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। सिरसिया इलाके के रानीपुर भेला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर 8 घरों में भीषण आग लग गई है। तो अज्ञात कारणों के चलते 8 घर जो है वो आग की चपेट में आ गई है। और श्रावस्ती में आग में करीब 8 घर जल चुके हैं। थाना सिरसी अंतर्गत राजपुर मोड़ चौकी पड़ती है जहाँ पर रामपुर बेला गांव है, रानीपुर बेला। तो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई जहाँ पे मौके पे तुरंत स्थानीय पुलिस पहुंची और फायर टेंडर ने पहुंच के आग बुझाई। कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पे जो कुछ जानवर थे जो जल के झुलस के मर गए हैं उनको दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। बाकी और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। श्रावस्ती में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। 14 अप्रैल 1984 में मुंबई बंदरगाह पर जहाज में आग लगी थी। आग बुझाते हुए 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हुए थे जिन्हें श्रावस्ती में श्रद्धांजलि भी दी गई है। वही 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्नि सुरक्षा सप्ताह। इस दौरान जो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। अग्निशमन कर्मी कस्बा गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आएंगे। आग से सुरक्षा और बचाव की जानकारी तक दी जाएगी। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते 3 घरों में भीषण आग लग गई है। तो औरैया में भी आग का कहर देखने को मिला है जहां आग की चपेट में आने से 10 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। तो 3 घर जहां आग की चपेट में आए हैं तो वह इस दौरान मवेशियों की भी जलकर मौत हुई है। लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विधुना कोतवाली क्षेत्र के पूर्व पट्टी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है जहां अज्ञात कारणों के चलते 3 घरों में भीषण आग लग गई है। अज्ञात कारणों के चलते औरैया में 3 घरों में भीषण आग लगी और तीनों घरों का सामान जलकर राख हो गया। हर घर नल योजना में यूपी ने स्थापित किया कीर्तिमान। तो हर घर नल योजना में यूपी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में 1 करोड़ घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ नल कलेक्शन का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया गया है, जिसकी जानकारी स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए दी है। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि यूपी में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर को भी इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर घर नल योजना में यूपी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, हर घर नल योजना ने कीर्तिमान स्थापित किया है, कैसे? आपको बता दें कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती है और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से एक लक्ष्य रखा गया था कि आज के दिन तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को नल का कनेक्शन दिया जाएगा और आज इसे आज पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि 24 करोड़ वाले आबादी में आज 1 करोड़ घरों को कहीं ना कहीं उन्हें मुफ्त जलकर विभाग की तरफ से जो नल होता है वो प्रदान किया गया है। अब इसमें बात करें तो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं गिरावट आई है और वाटर लेवल काफी डाउन गया है। उसको देखते हुए जल शक्ति विभाग की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अब इससे आम जनमानस काफी खुश नजर आता है। इसको लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दिया कि अत्यंत मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश का 1 करोड़ लोगों को नल का कनेक्शन देकर विशाल कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं। बिल्कुल विभांशु, जिस तरीके से आज यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना और प्राप्त करना कितना मुश्किल था? जी मुस्कान, अगर बात की जाए
तो जल शक्ति विभाग की तरफ से लगातार अगर देखें तो एक सालों से लगातार प्रयासरत थे, जब से उत्तर प्रदेश के जल शक्ति के मंत्री के तौर पर शपथ लिया है स्वतंत्र देव सिंह, इस योजना को लगातार बेहतरी को लेकर काम कर रहे थे, समीक्षा बैठक कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश का जल शक्ति विभाग को कहीं ना कहीं सराहनीय पहल की वजह से एक कम समय में ही उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चंदौली में धीना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, तो धीना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान धीना पुलिस ने 2 अवैध तमंचा 2 कारतूस के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अवैध तमंचे के साथ, वही लूट का 4,700 रुपए भी बरामद किया गया है। आसपास के इलाकों में लूट की कई घटनाओं को इन दोनों ही बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था, वहीं आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, धीना पुलिस ने कमालपुर जमुरखा के पास से अरेस्ट किया है इन दोनों ही शातिर लुटेरों को। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवारों को रौंदा, तो बेकाबू ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवारों को बुलंदशहर में रौंद दिया है। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है, मौके से ट्रैक्टर चालक भी फरार हो गया है। लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरनिया थाना क्षेत्र में पिहावटी चेक पोस्ट के पास का ये पूरा मामला बताया गया है। प्रतापगढ़ में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, तो नकाबपोश बदमाशों के हौसले प्रतापगढ़ में बुलंद हो चुके हैं। बदमाशों ने व्यापारी को अपना निशाना बनाया है, तो नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को अपना निशाना बना लिया है। दवा व्यापारी पर हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी ने नजदीकी चौकी में घुसकर अपनी जान बचाई है, तो नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन व्यापारी ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान को बचाया। हमारी भारत मेडिकल हॉल है, जो 24 घंटा मेडिकल स्टोर हमारी खुली रहती है, और सुबह फजर के टाइम 5:30 बजे हाँ दुकान पे मैं बैठा था कि 2 लोग नकाबपोश चक्कर लगा रहे थे दुकान की, और फिर हमारी दुकान के अंदर आए और दराज में हाथ डाल दिए, और इसके बाद हमने कहा ये सब क्या हो रहा है, तो कमर की तरफ वो हाथ ले गए, फिर हमने क्या किया काउंटर से कूद के अस्पताल की ओर भागे। हरदोई में सिलेंडर फटने से 6 घरों में भीषण आग लग गई है, तो सिलेंडर फटने से हरदोई में 6 घरों में भीषण आग लग गई है। इस दौरान आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी ज्यादा प्रयास भी किया है, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है वो आग बुझाते हुए नजर आए, लेकिन सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और 2 गाड़ियां इस वक्त आग को बुझाने में लगी हुई है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के रघुबीरपुरवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ सिलेंडर फटने से 6 घरों में भीषण आग लग गई है। एएनटीएफ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे 450 कर्मी, खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार की नॉर्को नेक्सस तोड़ने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूर किया गया है। नियुक्ति के लिए एएनटीएफ ने शासन को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद अब इसे मंजूरी दी गई है। पुलिस कर्मियों के चयन के लिए गठित की जाएगी समिति। तो लखनऊ में बसपा के एमएलसी भीमराव अंबेडकर का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा के एमएलसी द्वारा एक बड़ा बयान है, जहां बसपा ने लखनऊ से अपना मेयर प्रत्याशी की घोषणा की है। तो बसपा ने लखनऊ से मेयर प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, शाहीन बानो को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहीन बानो मोहम्मद सरवार मलिक की पत्नी बताई जा रही है, जिनको बसपा ने मेयर पद का प्रत्याशी लखनऊ से घोषित किया है। सरवार मलिक 172 उत्तरी विधानसभा से लड़ चुके हैं चुनाव, तो बसपा के एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा की है। बसपा ने लखनऊ से अपने मेयर पद के प्रत्याशी का नाम घोषणा कर दिया है। शाहीन बानो को इस दौरान बसपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है, जिसकी जानकारी
बसपा के एमएलसी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी गई है। शाहीन बानो मोहम्मद सरवार मलिक की है पत्नी। जिस आप नगर की सफाई व्यवस्था को जब देखते हैं तो जो इको ग्रीन आप सभी लोग इस बात को जानते हैं और इस बात की बड़े पैमाने पर हमने सदन के अंदर भी इस बात को रखा था कि लखनऊ जो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं भारत देश की एक तरह से देखा जाए तो लखनऊ आत्मा है। हमारा प्रधानमंत्री का जो की कुर्सी का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से जाता है तो वो लखनऊ होकर जाता है क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इसलिए लखनऊ में सर्व समाज के लोगों को इस बात पर विश्वास है कि लखनऊ के नगर निगम में बहुजन समाज पार्टी का हमारा मेयर जीत कर जाएगा तो पूरे लखनऊ को जो महानगर है उसको सजाएगा संवारेगा। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी अभिभावक आदरणीय बहन जी ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर भेजा है और मैं आदरणीय बहन जी से ये वादा किया है कि लखनऊ नगर निगम की महापौर सीट को मैं उनकी झोली में डालूंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज बसपा ने लखनऊ से मेयर पद का अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। शाहीन बानो प्रत्याशी बनाई गई है लेकिन तमाम कई नाम भी सामने आ रहे थे कि बसपा से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा लेकिन शाहीन बानो को जो प्रत्याशी घोषित किए जाने की वजह क्या रही है? जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय मोहनलालगंज में एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसका अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। इनकी अगुवाई में अगर बात करें तो जिला कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहे और अगर आपके सवाल पे लौटे मुस्कान तो संहिता बानो को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ जहां देखे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो उससे कहीं ना कहीं देखे तो एक जाति समीकरण के तहत अब बसपा मुस्लिम चेहरे पर अपना दाव खेलते हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि शाहीन बानो की अगर बात करें तो मोहम्मद सरवर मलिक जो कि उत्तरी से प्रत्याशी थे विधानसभा के अंदर में जो 2022 के चुनाव हुआ उसमें तीसरे पोजीशन पे आए थे उनकी पत्नी है साथ ही साथ एक लोकप्रिय चेहरा है इसके नाते इन्हें टिकट दिया गया है। आपको बताएं कि साथ ही उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ के 110 वार्डों में से लगभग 30 वार्डों के सभासदों का नामों का ऐलान किया गया है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा एक अलग तरह के अपने रोड मैप पे चलती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बसपा का ये जो समीकरण है ये चुनाव में कितना कारगर नजर आता है वो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद भांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने की। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।